जी तो वीडियो के शुरू में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, फिर कम्प्लीटली वीडियो शेयर करता हूँ कि इनकी शॉपिंग चल रही है। सॉरी, कुछ चीज़ें पहले खरीदी और यानी कि जो सूट वगैरह डालने थे वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, और कुछ अभी मैं खरीद के, अभी आप यकीन करें आप भाई कल ईद मनाएंगे जी। आप सही टाइम मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज कल आप ईद मनाएंगे तो हम शायद आपके साथ मना लें और शायद मैं यानी कि एक दिन बाद भी मना लें। आपको पता है जी कि 10 साल बाद यहाँ हमारी ईद, यानी कि 10 साल बाद पाकिस्तान में मैं ईद गुजार रहा हूँ ये पहली, वरना वहीं पर आपके साथ यार ईद मनाता था। तो बहरहाल अभी 12:40 हो चुके हैं, तो क्या कुछ खरीद के लाया हूँ मैंने बोला अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और शेयर करता हूँ आपके साथ यार इससे पहले ही। तो कुछ चीज़ें हैं जी ये दिखा दूँ, एक तो ये है मैं आपको, अच्छा मैं ये अभी निकाल कर आपको दिखाऊंगा बॉक्स के अंदर से, एक ये है जी और इसमें चीज़ आपको दिखा दूँ, फिर मैं बैक कैमरा चलाता हूँ, बैक कैमरे से भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और आप सब क्लियर करूँगा, एक चीज़ ये मैंने खरीदी है जी ये वाली, और कुछ जो सूट मैंने आपको दिखाए थे तो ये भी प्रेस करवा लिए। अभी मैं बैक कैमरा चला लेता हूँ, एक दो क्लिप मैंने पहले रिकॉर्ड किए हैं वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बैक कैमरा यानी कि ये तमाम तरह चीज़ें आपको एक साथ दिखाता हूँ अभी। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद की शॉपिंग चल रही है जी और पाकिस्तान में जैसा कि मेरी ये 10 साल के बाद ईद है जी। हकीकत बात है 10 साल के बाद मेरी पहली ईद है पाकिस्तान में ये, तो रमज़ान भी वैसे तो पहले जा रहा है, वैसे जो यहाँ बहार का मौसम गुजर चुका है मार्च, यानी कि वो भी पहला ही था मेरा, तो यानी कि एक दिन पहला ही है, लेकिन ईद के मुतल जाहिर से बात है खास दिन होता है, तो ईद का ईद भी मेरी पहली जा रही है, यहाँ पर आएगी अभी पाकिस्तान में। तो ये मैं कुछ मैंने वैसे सूट ये भी जो मैंने पहना हुआ ये भी 2 महीने खरीदे थे आकर सिलवाए हैं अभी, लेकिन ईद के लिए मैं जो 2 खरीद कर लाया हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहता था, वो आपको दिखाता हूँ बॉक्स आपको ऐसे दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कम्प्लीटली खोल कर भी दिखा दूंगा ये देख लें। तो ये ईद के लिए लिए हैं और इनके साथ जो चप्पल्स वगैरह ली हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, यानी कि एक पहले दिन के ईद वाले दिन के लिए और एक सेकंड डे के लिए। तो वैसे मुझको मेरे साथ इसके लाइट भी चलेगी वीडियो के दौरान ही, तो अभी आपको सूट दिखा देता हूँ मैं, फिर और चीज़ें भी दिखाऊंगा ईद की शॉपिंग जो भी हो रही है जी। तो ये 2 हैं जी, एक तो ये है और एक ये वाला है। अच्छा मैंने अपने शहर की मशहूर शॉप जो हैं उनसे ये खरीदे हैं, बाकी इनके प्राइस भी आपको बता देता हूँ और मैं अपने शहर के मुतलक भी एक वीडियो शेयर करूँगा कम्प्लीटली। आप भाई बहुत से कमेंट करते हैं कि भाई आप किस गांव में, गांव के मुतलक और शहर के मुतलक भी बताऊँगा। अभी आपको इन सूट्स के मुतलक बता दूँ मैं, यानी कि ओपन करके आपको दिखा देता हूँ मैं पहले, तो आप वाइट देख लेते हैं जी, देख लें थोड़ा क्लोज कर। हाँ ठीक है, ये वाला है जी। अच्छा ऑफ वाइट है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है। कंपनी है जी, कंपनी ने अपना नाम वगैरह दिया हुआ है, सूट देख लें जी ऑफ वाइट में ये वाला मैंने खरीदा है। अच्छा फर्स्ट डे के लिए मैंने यही सिलेक्ट किया है कि फर्स्ट डे के लिए हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें ये है कि चलो ऑफ वाइट या वाइट हो जाए फर्स्ट डे में वो बेस्ट है। अगर प्राइस की बात करें तो आपको दिखा दूँ मैं, देख लें जी 5,100 में ये मिला है जी मुझे ऑफ वाइट, वैसे ये गत्ता वगैरह इसके साथ ऐसे रखा हुआ हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए। अभी ये सैकट है जी, तो एक ही कंपनी के हैं डिनेस्टी वालों के दोनों, तो ये मैंने लिया है सेकंड डे के लिए। तो ये इसके प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा महंगा है उससे, तो ये कितने का बना है। वैसे सूट आप देख लें जी, पहले देख लें स्टिकर वही है जी सेम दोनों के, लेकिन प्राइस ज़ाहरी से बात है सेम नहीं होते हैं, प्राइस थोड़ा ऊपर कर लो, प्राइस मुख्तलिफ होते हैं दोनों के। ये देख लें इसमें ये कलर मैंने पसंद किया है, आप इसको लाइटली पैरेट कलर बोल रहे हैं या इसे इसे हम बोल सकते हैं पैरेट कलर में, तो वैसे नहीं मेरे हिसाब से आएगा क्योंकि वो ग्रीन ग्रीन में चलाइए, ये अंगूरी कलर बोल रहे हैं आप इसे, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने बोला सेकंड डे के लिए ये सिलेक्ट करते हैं। इसमें बटन जो है ना वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे जो आपने इसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है देख लें जी। अभी मैं आपको इसके प्राइस के मुतल बता देता हूँ ये कितने का है, देख लें जी 5,700, 5,700 में लिया है। तो ये दोनों सूट हैं जी जो मैंने खरीदे हैं, तो देख लें जी आप। अभी जो चप्पल वगैरह इनके साथ ली हैं वो या जो कुछ भी और खरीदूंगा वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा जी। देख लें जी आप ये तमाम चीज़ें
अभी मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाता हूँ। अब प्राइस भी आपको बता दूंगा यार। ये जो क्रीम कलर में सूट है जी, ईद वाली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना वीडियो, उसमें आपको दिखा दूंगा। जब मैं ये डालूंगा तो उस टाइम आपको दिखा दूंगा। ये क्रीम कलर में ये पहले दिन के लिए डिसाइड किया है, और इसके नीचे जो मैंने सोचा है, दूसरे बॉक्स भी खोलकर आपको दिखाता हूँ, एक मैंने सोचा है इसके नीचे भी ये चीज़ डालनी चाहिए, तो ये खरीद कर लाया हूँ मैं। आपको दिखाता हूँ निकाल कर, एक चीज़ देख लेंगे आप, ये बाटा वालों की तरफ से है। एक मुझे चीज़ अच्छी लगी खेड़ी के तौर पर। मैंने वैसे ना, आप यकीन करें, स्टेलो एंड हश पपीज़ वगैरह भी देखे, और मुझे उनकी खेड़ी जो है यार पसंद नहीं आई, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, पसंद आई, तो मैंने ये ले ली। आप इसकी लुक देख सकते हैं। ये होगी जी हमारी तैयारी पहले दिन की। सेकंड डे वाले दिन मैंने ये सूट आप देख लीजिए, ठीक है, ये वाला। मैं प्राइस भी आपको आगे बताता हूँ। सेकंड डे वाले दिन ये डालूंगा, और इसके नीचे एक मैं सैंडल, सिंपल सॉफ्टी सैंडल, अभी भाई लेकर आ चुका है जी, वो लाहौर से मैंने मंगवाए हैं अच्छे वाले, तो वो आपको ईद वाली शॉपिंग के साथ दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसके साथ यानी कि सैंडल डालूंगा, सिंपल सॉफ्टी चप्पल जिसे बोलते हैं, अच्छे वाली मंगवाई है, तो वो डालूंगा इसके साथ। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ और लेकर आया हूँ अर्बन सोल वालों की, मुझे अच्छी लगी यार, मैंने बोला आपके साथ भी शेयर करता हूँ, देख लें जी, ठीक है, देख लें जी आप। ये लॉन्ग शूज़ हैं और प्योर लेदर में है जी ये, तो देख लें इनकी लुक वगैरह माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला यार ये भी एक ले लेते हैं। तो वैसे चलो चलते रहेंगे। ये ईद के तीसरे दिन या जीन की पैंट और ऊपर टी शर्ट वगैरह डालूंगा, नीचे या तो ये शूज़ होंगे और या ये होंगे। अभी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक निकाल कर ये भी रख लेता हूँ कि कौन से डालने चाहिए, ये वाले अर्बन सोल वाले डालने चाहिए, ये वाले या ये। मैंने ये भी लिए हैं जी, मैं प्राइस से भी आप भाइयों को अभी मेंशन प्राइस भी बताता हूँ यार। अभी एक ये लिए हैं मैंने, कालजाग लिए हैं, सिंपल गर्मी चार पाँच को पता ही पाकिस्तान में चल रही है, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। आम बंदा आम बाल डाल लेता है, और अगर कहीं बाइक के वगैरह के ऊपर सफ़र भी करना हो तो कोई मुश्किल नहीं होती है, तो देख लेंगे। अभी दोनों में आपको दिखाता हूँ मैं, इस ईद के तीसरे दिन इन दोनों में से एक डालूंगा। अभी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से डालूं, ये वाले डालूं या ये वाले डालूं, और तीसरे दिन के लिए। तो मुझे बहरहाल ये, अगर मौसम अच्छा रहा तो ये, अगर गर्मी हुई तीसरे दिन भी जैसा कि अभी चल रही है, तो फिर मेरी सलाह ये डालूंगा। बाकी मुझे कमेंट में आप अपनी राय भी दीजिएगा। अभी मैं आपको प्राइस के मुतल्लिक बता दूं, पहले मैं ये जो सूट है जी मेरा क्रीम कलर वाला, ये मैंने लिए। अच्छा, प्राइस मैं क्यों बता रहा हूँ, अक्सर भाई बोलेंगे यार तो प्राइस क्यों बता रहा है, ले लिए ठीक है यार। परदेश में बैठे हुए दोस्त अहबाब को बस होता है कि यार कौन सी चीज़ कितने के लिए, होता है ना एक कि यार हमें भी बता दो कितने के लिए कौन सी चीज़ ली। ये जो क्रीम कलर का सूट है ना, ये मैंने अच्छे वाला लिया भाई, और ये 5100 का बोल रहे हैं आप, और ये जो चप्पल है ये बाटा वालों की तरफ से, ये 2900 रुपए की ली मैंने। तो इसके बाद दूसरे दिन की बात करें तो आपको ये जो सूट दिखाई दे रहा है, ये 5700 में लिया मैं। इसी कलर में 2500-2600 के राउंड में मिल जाते हैं, लेकिन ये टेंट सिटी वालों का एक ब्रांड है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो मैंने ये दोनों उन्हीं के हैं। तो ये 5700 में है, वो वाइट वाला 5100 में है, ठीक है। अभी अर्बन सोल के मुतल बात कर लेते हैं, ये वाले जो मैंने आपको दिखाए प्योर लेदर में, और ये भाई हो गए जी ये 6900 यानी कि 6000 के बोल रहे हैं, ये मैंने लिए हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कालजा वालों के, बिल्कुल आप सिंपल से देख लें तो ये 2200 रुपए के लिए हैं, ये 6000 के, ये 2200 के लिए हैं। और जो सॉफ्टी चप्पल मैं आपको बोल रहा हूँ दूसरे दिन के लिए, इसके नीचे डालने के लिए, वो 2200 रुपए की आ रही है जी, वो भी तो भाई लाहौर से आ रहे हैं एक, तो मैंने उनको बोला कि वो अच्छे वाला पीस, वो बोलता मैं ले आऊँगा, तो बहरहाल वो 2200 की मुझे पता चला है कि वो लेके आ रहे हैं, तो मुझे तो उन्होंने पैसे नहीं बताए। बहरहाल ये कुछ ईद की शॉपिंग थी, तीन जीन की पैंट और टी शर्ट्स वगैरह, वो मैंने बोला आपको क्या दिखाऊंगा यार, वो तीसरे दिन के लिए। बहरहाल ईद का एक मुकम्मल ब्लॉग आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगा।